नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष शर्मा। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में दो दिन पहले जब अफगानिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन, पिछली बार की वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को हराया तो सबको लगा कि इससे बड़ा उलटफेर नहीं होगा, लेकिन दो दिन बाद ही नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराते हुए न केवल इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर किया, बल्कि हमें लगता है कि शायद पूरे वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे बड़ा उलटफेर इस टीम ने किया है। ये मैच जब शुरू हुआ था, धर्मशाला में मैच हो रहा था, ओवरकास्ट कंडीशन थी, नीदरलैंड पहले बैटिंग कर रहा था, 82 रन पे 5 विकेट गिर गए थे, वहां से लगा कि साउथ अफ्रीका ये मैच आसानी से जीत जाएगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उस पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। एडवर्ड्स ने अच्छी पारी के लिए अर्धशतक लगाया, वंडर मर्व के साथ उनकी जो साझेदारी हुई उसने मोमेंटम को पकड़े रखा। इसके बाद आर्यन दत्त के साथ मिलकर कप्तान एडवर्ड्स एक तूफानी साझेदारी करते हैं। इन दोनों की साझेदारी की बदौलत नीदरलैंड 43 ओवर में, क्योंकि बारिश की वजह से मैच 43 ओवर का हो गया था, 245 रन बनाता है। यहां से थोड़ा सा डर लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि नीदरलैंड की गेंदबाजी अच्छी है। यहां से इसके बाद जब डिकॉक और बाबुआ आते हैं ओपनिंग करने के लिए, कड़क शॉट दिखाते हैं डिकॉक, लेकिन इसके बाद जैसे डिकॉक आउट होते हैं ऐसा लगता है कि जो साउथ अफ्रीका के खेमे में पैनिक बटन दब जाता है। उसके बाद तो जो हुआ 40-42 रन पे 4 विकेट गिर जाते हैं। तो इस मैच का साउथ अफ्रीका की साइड से मैच का मुजरिम कौन रहा, अगर हम देखें तो हमारे हिसाब से इस मैच का मुजरिम होना चाहिए कगिसो रबाडा, क्योंकि साउथ अफ्रीका टीम के सबसे अनुभवी गेंदबाज है। शुरुआत में उनको मिल गई थी 2 सफलता भी। अब जब भी डेथ ओवर की बात आती है, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी की बात आती है, वो हमेशा उनका प्रदर्शन कमजोर हो जाता है। नीदरलैंड के खिलाफ भी यही हुआ, जो नीदरलैंड के उछल्ले बल्लेबाज थे उन्होंने रबाडा की बेहद गंदे तरीके से पिटाई करी और अंत में 3 ओवर में आखिर के 60 रन बने। तो आप सोचिए, जब टीम का मुख्य गेंदबाज ऐसी गेंदबाजी करेगा तो साउथ अफ्रीका टीम का क्या होगा। और खास बात यह है कि जो रबाडा है उनको कंडीशन से हेल्प मिल रही थी, ओवरकास्ट कंडीशन थी, पिच से सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन इसके बावजूद आखिर का जो स्पेल आया उसमें उनकी बेहद खराब गेंदबाजी हुई, पिटाई हुई उनकी, और वहां से जो मोमेंटम शिफ्ट था किसकी तरफ, साउथ अफ्रीका की तरफ शिफ्ट था, वो एकदम से पलट कर नीदरलैंड की तरफ से चला गया। और अंत में हुआ क्या, नीदरलैंड ने इतिहास रचते हुए साउथ अफ्रीका को हरा दिया। साउथ अफ्रीका की बैटिंग भी इस मैच में बेहद खराब रही, ना क्लासन चले, ना मार्करम चले, ना बाबुआ, तो पूरे वर्ल्ड कप में नहीं चल रहे। पिछले 2 मैच में शतक लगाने वाले क्विंटन डिकॉक भी जल्दी आउट हो गए। जब मिडिल ऑर्डर के ऊपर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी आई तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमसे नहीं हो पाएगा। अंत में डेविड मिलर लड़ते रहे अकेले, लेकिन वो अकेले भी क्या कर लेते, अंत में वो कहते हैं ना, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उनको लगातार बड़े शॉट्स खेलने थे, उनको बड़े शॉट्स खेलने थे। यहाँ से आर या पार की लड़ाई थी और इस आर या पार की लड़ाई में वो हार गए और वो अपना विकेट फेंक गए। इसके बाद तो मैच फॉर्मेलिटी बचा था। हालांकि अंतिम विकेट के लिए महाराज और लुंगी एंगिडी ने थोड़े बहुत रन जरूर जोड़े, लेकिन ये काफी नहीं थे और अंत में नीदरलैंड को एक यादगार जीत मिली है। तो अब आप बताइए कि आपको कौन सा उलटफेर अच्छा लगा, अफगानिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका जो हारी है नीदरलैंड के खिलाफ। दोनों उलटफेर के बारे में बताइए और मैच के मुजरिम के बारे में बताइए, क्या रबाडा के सिवा और कोई भी हो सकता था, हालांकि बाबुआ भी इसके मुजरिम के, वो कहते ना कि इसमें आ सकते थे, लेकिन आज उनकी कप्तानी अच्छी रही थी शुरुआती ओवर्स में, तो इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट उनको दे दिया। लेकिन जो रबाडा है उनको अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका को अच्छा प्रदर्शन करना है तो इस गेंदबाज का चलना बहुत जरूरी है। वहीं अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।